वेलकम टू माय किचन द जय किचन। आज मैं शेयर करूंगी एक इवनिंग टी टाइम स्नैक विच इज सुपर इजी। एंड सबसे बड़ी बात है कि जो भी इंग्रेडिएंट्स आपके घर में है हम उसी से बनाएंगे। बट बिफोर दैट अ रिक्वेस्ट, प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट द बेल आइकन सो दैट व्हेनेवर आई अपलोड एनी न्यू वीडियोज यू कैन गेट द नोटिफिकेशन। तो चलिए बनाए इवनिंग स्नैक मसालवाड़ा। लेट्स चेक आउट द इंग्रेडिएंट फ्रेंड्स। ये देखिए, ये बंगाल ग्राम है चना दाल। इसको हमें 4 घंटे के लिए भिगोकर रखना है, मैंने ऑलरेडी किया हुआ है। ये देखिए, यहाँ मैंने इसको सोक करके रखा है 3 to 4 hours आप करिए। और देखिए इस तरह से ये बिल्कुल फूल जाएगा। तो इसको अब हम ड्रेन करके इसको पीसेंगे। ये देखिए, ये सौंफ है, फेनल सीड्स, जिंजर, मैंने यहाँ 4 ग्रीन चिलीज लिया है, दिस यू कैन टेक अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। ये है गार्लिक, मैंने यहाँ 5 लिया हुआ है। एंड दिस इज सिनेमन पाउडर, ये आप बाग भी ले सकते हो, उसको स्टिक भी ले सकते हो और पी सकते हो। एंड दीज आर अनियन। ये पेस्ट बनाने के बाद हम इसको, वेरी फाइनली चॉप्ड अनियन है, मैंने 1 अनियन लिया हुआ है। ये है करी पत्ता, करी लीव्स, जिसको मैंने बहुत फाइनली चॉप किया हुआ है। एंड दिस इज धनिया लीव्स, दिस इज धनिया पत्ता। नमक लेंगे और तेल। तो चलिए बनाते हैं। इसको हम पानी निकाल कर स्ट्रेन कर इसको पीसेंगे। बट इसको पीसने से पहले हम पहले ये सारी जो मसाले हैं, ये जो गार्लिक है, जिंजर, सौंफ, फेनल सीड्स, ग्रीन चिलीज एंड ये दालचीनी का पाउडर, इसको हम पीस लेंगे। चलिए इसको पीसते हैं, इसको देखते हैं। देखिए इस तरह से हल्का सा हम पीसते हैं। अब हम ऐड करेंगे ये जो चना दाल है, हम इसको इसमें ऐड कर पीसेंगे। यहाँ थोड़ा सा चना दाल निकाल के रखा है, बाद में हम इसको मिक्स करेंगे। सो दिस चना दाल इसमें हम डालेंगे, पेस्ट नहीं बनाना है। सो लेट्स ग्राइंड दिस। चलिए इसको, कैन यू सी, ये बिल्कुल पेस्ट नहीं है, ये एकदम रफ है, कोर्स है, इसी तरह हमें चाहिए। चलिए ये है हमारा करी लीव्स, जिसको मैंने बहुत फाइनली चॉप किया है। और ये धनिया पत्ता, कोरिएंडर लीव्स, इसको हम ऐड करेंगे। अच्छी तरह से आप मिक्स कर लिए, यू नीड टू मिक्स ऑल दिस वेल। नमक मिलाएंगे, वापस इसको अच्छी तरह से मिलाकर इसका हम मसाला वड़ा बनाकर फ्राई करेंगे। इसको वी गोइंग टू डीप फ्राई दिस वड़ा। अब हम इस पैन में ऑयल डालकर मसाला वड़ा को डीप फ्राई करेंगे। पोर सम ऑयल, गुड अमाउंट ऑफ ऑयल। ये फ्रेंड्स हमारा ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। अब हम ये बैटर को, देखिए ये जो दाल का मिक्सचर है उसको इस तरह, फ्लेम को हम थोड़ा कम कर देंगे वरना ये जल जाएगा। इस तरह आप रखिए और अपने पाम में रखकर अपने फिंगर्स से इस तरह दबाइए, ओके, एंड देन यू लीव इट इन द ऑयल। इस तरह से इसको लेकर अपने पाम में इस तरह रखिए और अपने फिंगर्स से इस तरह दबाकर धीरे से तेल में डाल दीजिए। देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ केवल 4 ही डाला है, यू ऑल्सो नीड नॉट पुट मेनी, वरना वो पकने में उसको टाइम लगेगा। एक तरफ
पक चुका है तो आप हम इसे दूसरी तरफ फ्राई करने के लिए फ्लिप करते हैं ताकि एक अच्छी तरह से दोनों तरफ पक जाए। चेक आउट फ्रेंड्स, इतनी अच्छी तरह से ये देखिए गोल्डन हो गया है। सो वी आर गोइंग टू टेक इट आउट। आप क्रंची कुरकुरा मसाला वड़ा आर ऑल रेडी। देखिए इट इज सो गुड टू सी एंड इट विल बी टेस्टी आल्सो। वापस हम इस तरह रखते हैं अपने पाम में एंड अपने फिंगर्स से आप इस तरह दबाइए। ओके एंड देन स्लोली यू पुट इट इन द ऑयल। देखिए फ्रेंड्स ये भी अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। मैंने टिश्यू के ऊपर रखा सो दैट द ऑयल इज अब्सॉर्ब्ड। हम इसका अच्छा सा प्लेटिंग करते हैं। सो वी विल डू आवर प्लेटिंग। तरह हम इसको अच्छी तरह से सजाकर रखेंगे। तो हम यहाँ इस तरह इसको हम इस तरह लगाते हैं। ये कोकोनट चटनी है फ्रेंड्स। मैंने इसके पहले कोकोनट चटनी अपने चैनल में डाला हुआ है, यू कैन चेक आउट द वीडियो। एंड यहाँ मैंने थोड़ा सा ये जो करी लीव्स है उसको मैंने फ्राई कर तेल में इस तरह लगा दीजिए। चेक आउट आवर रेसिपी, हमारा मसाला वड़ा इज रेडी। चेक आउट फ्रेंड्स, आवर मसाला वड़ा इज रेडी। प्लीज डू ट्राई दिस रेसिपी। कीप कुकिंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू।